नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं APPSC में निकली भर्ती के बारे में। तो PSC में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि APPSC में हो रही है। तो ये जो भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर लेक्चरर के पोस्ट के लिए हो रही है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है बताया नहीं गया है, यहाँ पर वेरियस वैकेंसीज कहा गया है, पर पे स्केल के बारे में जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको प्रति माह 37,100 से 91,450 रुपीज तक वेतन मिल सकता है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जा सकते हो और बड़े विस्तार में जॉब के संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या है वो फिलहाल हम देखेंगे, पर उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करने पे ऐसा वाला बेल आइकन यहाँ पर मिल जाएगा और उसे आप प्रेस करें और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशंस ऑन रखें जिससे आपको हर रोज जो जॉब नोटिफिकेशन से आते रहेंगे और लेटेस्ट वैकेंसी से आप वंचित नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो APPSC के द्वारा भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट पास होना जरूरी है और पोस्ट ग्रेजुएट पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18-42 ईयर्स है, यानी 18 से अधिकतम 42 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है, तो आपको आपकी एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है स्क्रीन टेस्ट, मेन एग्जामिनेशन और ओरल टेस्ट तथा इंटरव्यू के द्वारा भी होगी। एप्लीकेशन फी एज पर रूल्स कही गई है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 18 जनवरी 2019 है और 18 जनवरी से आप 8 फरवरी 2019 तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 8 फरवरी तक आपके पास टाइम है, तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं 18 फरवरी 2019 के पहले आपका आवेदन जो है दिए गए एड्रेस से भेज दीजिएगा जिससे आपका एप्लीकेशन निश्चित हो सके और आप लेटेस्ट जॉब की जो जानकारी है प्राप्त कर सके। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। 37,100 रुपीज से 91,450 रुपीज तक आपको यहाँ पर वेतन मिल जाएगा। पोस्ट का नाम जो है यहाँ पर जूनियर लेक्चरर है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्जैक्ट कितनी है बताया नहीं गया है, यहाँ पर वेरियस वैकेंसीज कहा गया है। जॉब लोकेशन आंध्र प्रदेश है, तो सिलेक्ट होने पर आपकी जो पोस्टिंग है आंध्र प्रदेश में होगी। तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट की जो PDF है जारी की गई है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी नॉट मोर देन 55 ईयर्स होनी जरूरी है और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर बताई गई, यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से बताए गए हैं और इसका उपयोग कर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन सबमिशन का जो पोर्टल है उस पर आपको ये लिंक लेके जाएगी और यहाँ पर आप आसानी से आपका जो लॉगिन है कंप्लीट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आसानी से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो अकाउंट है यहाँ पर बन जाएगा और आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। आंध्र प्रदेश के जो उम्मीदवार है उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा पैमाने पर प्रेफरेंस दिया गया है, तो जो भी हमारे उम्मीदवार आंध्र प्रदेश से है या आंध्र प्रदेश में जॉब पाना चाहते हैं इस पोस्ट को तुरंत अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहेगा आपके दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करें यदि पसंद आई है तो। नहीं पसंद आई है तो आपको आप डिसलाइक भी प्रेस कर सकते हैं, पर हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।